और ये देखिए, एक बहुत ही ज़बरदस्त एक सर्टिफिकेट है, इसको पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ी देर में। और ये देखिए हमारा अवार्ड, तो इसको खोलते हैं। और नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका इस विशेष रिपोर्ट में। और आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं अपने सिल्वर प्ले बटन की, जो कि YouTube क्रिएटर्स अवार्ड है। और इसका पहला जो स्टेप है, जब आप 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे कर लेते हैं तो उसके बाद YouTube आपको इस तरीके का कुछ भेजता है। तो इसको बताएंगे आपको किस तरीके का अवार्ड है। काफ़ी सारी अनबॉक्सिंग मैंने देखी हैं पहले भी काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर्स की, तो बहुत ही अलग सी फीलिंग है। आपको मैं बताऊं कि बहुत ही खुशी का एक एहसास हुआ मुझे जब मैं गया वहाँ पे कुरियर सर्विस के पास और उन्होंने मुझे ये प्रेजेंट किया। वो लोग बोलते कि सर ये क्या चीज़ आई है, क्योंकि इसकी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ थी। तो और दो तीन दिन पहले भी मुझे कस्टम्स का कॉल आया था दिल्ली से, उसके पहले भी मुझे एक कॉल आया था। तो काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ थी, क्योंकि US से ये आता है, अमेरिका से आता है, और ऐसा जहाँ तक मुझे मालूम है न्यूयॉर्क में ये बनता है और उसके बाद उनके हेडक्वार्टर जाता है और वहाँ से वो लोग एक सर्टिफिकेट बनाते हैं और वो फिर इसको भेजते हैं। तो दुनिया भर में जो लोग 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे करते हैं यूट्यूब पे, उनके लिए ये एक तरीके का उनको बूस्ट अप करने के लिए यूट्यूब और गूगल की तरफ से एक अवार्ड है। तो चलिए इसको खोलते हैं। पहले तो आप ये देखिए, इसका फ्रंट है और इसके ऊपर, फ्रंट क्या मतलब, इसका जो कवर है इसके ऊपर बड़ा बहुत कुछ बार कोड्स और ये सब हैं लगे हुए हैं। तो ये कुछ DTDC का पैकेज का, इसको मैं खोल के देखता हूँ ज़रा कि इसमें क्या लिखा है इन्होंने। ये कुछ सोसाइटी अवार्ड्स लिखा है इसमें और ये सब कुछ कोड की फॉर्म में है। गिफ्ट लिखा हुआ है, शिप टू ये वो। तो ये कोई रिक नाम के बंदे, इनका साइन सिग्नेचर भी है यहाँ पे। तो ये है, इसको हम इसमें लगा देते हैं वापस। और इसके पीछे मैं आपको बताऊं तो YouTube भी लिखा हुआ है। तो चलिए खोलते हैं, कटर मिला नहीं मुझे, चाकू से काम चलाना पड़ेगा। और इसके बाद मैं आपको छोटी सी अपना ब्रीफ वो भी बताएंगे आपको कि कैसे हमने शुरुआत की। और पिछले 2 सालों से हम काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे YouTube के ऊपर, तो शायद ये ऐसे खुलेगा। एक टेप और है इस तरफ, बट बहुत ही अलग सी पैकिंग है इसकी। नहीं, मेरे को लगता है इस टेप को भी खोलना पड़ेगा। तो दर्शकों मैं आपको बता दूं, YouTube जो है वो 1 लाख सब्सक्राइबर पे सिल्वर अवार्ड देता है, सिल्वर प्ले बटन, जो उनका लोगो है YouTube का उसी की शेप में होता है। और उसके बाद 10 लाख सब्सक्राइबर पूरा करने पे आपको गोल्ड प्ले बटन मिलता है, वो गोल्ड प्लेटेड रहता है। और उसके बाद शायद 10 मिलियन यानी 1 करोड़ सब्सक्राइबर पूरे करने पे आपको डायमंड प्ले बटन मिलता है। तो उस तक बहुत कम यूट्यूबर्स पहुँचे हैं। और उससे भी ऊपर एक अवार्ड होता है, उसको वो लोग कहते हैं ये देखिए। और ये मैं आपको दिखाऊं, इस तरीके का कुछ है अभी और बहुत ही ज़बरदस्त पैकिंग की गई है। और ये देखिए, ये फोम है, साथ ही साथ कुछ यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर सब्सक्राइबर माइलस्टोन, वी आर ऑनर्ड टू टेक पार्ट इन रिकग्नाइजिंग योर अचीवमेंट एंड वॉन्ट टू एक्सपीरियंस एंड वॉन्ट योर एक्सपीरियंस टू बी एक्सेप्शनल। दिस अवार्ड वॉज इंस्पेक्टेड एंड पैक्ड विद द ग्रेट केयर बाय रिक। इफ़ योर अवार्ड हैज़ डैमेज ड्यूरिंग शिपिंग और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस। ये इन्होंने अपना कॉन्टैक्ट दिया है, ये रिक भाई साहब जिनका मैंने कहा था, सिग्नेचर भी मैंने बाहर देखे थे। तो उन्होंने ये कहा कि वो इसके उन्होंने पैकिंग की है पूरी। और ये देखिए, एक बहुत ही ज़बरदस्त एक सर्टिफिकेट है, इसको पढ़ते हैं थोड़ी देर में। और ये देखिए हमारा अवार्ड, तो इसको खोलते हैं। और बहुत ही अलग फीलिंग है, मैं बताऊँ इसको टच करने में ही। और काफ़ी मतलब ऐसा लग रहा था हल्का सा होगा, बट काफ़ी भारी है। और ये देखिए पीछे इसके, ताकि दीवार में लटका सकें।
और इसमें मैं अपना चेहरा देख सकता हूँ। वाह क्या बात है। प्रेजेंटेड टू पोल स्टार हिमाचल फॉर पासिंग 100,000 सब्सक्राइबर। तो ये देखिए हमारा ये अवार्ड दिख रहा है इसमें कैमरे में। तो ये हमारा सिल्वर प्ले बटन यूट्यूब की तरफ से आया, और ये ना सिर्फ हमारी पूरी टीम के लिए, ये सब आप दर्शकों के लिए, आप प्यारे प्यारे दर्शकों के लिए है। और अब क्या बताना, इसको थोड़ी देर देखते रहेंगे हम ये रिकॉर्डिंग ऑफ होने के बाद। और बड़ी खुशी हो रही है इसके ऊपर, जिस तरीके से हमने नाम लिखा है और पॉलिश किया है इसको, बहुत अच्छा शाइन वाइन मार रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त फिनिशिंग है। और क्या इसमें मिला है, और ये देखिए जो तीन बटन मैंने बताया था ना, ये पहला वाला हमको मिल चुका है सिल्वर वाला, फिर उसके बाद गोल्ड है, फिर डायमंड है। तो देखते हैं किसी और चैनल के सहारे हम पहुंचेंगे इस पे, क्योंकि हिमाचल की पॉपुलेशन इतनी है नहीं कि हम डायमंड तक पहुंच जाए। गोल्ड तक पहुंचना भी बड़ा मुश्किल है, मैं ये बताऊं यहां के। और मैं बताऊं पूरे हिमाचल में गिनती के कुछ ही क्रिएटर्स हैं, 5-6 क्रिएटर्स ही हैं जिन्हें ये सिल्वर अवार्ड भी मिला है। तो ये चलिए अब सर्टिफिकेट पढ़ते हैं। सम 100,000 सब्सक्राइबर, हाउ फार हैव यू कम, आप कितना दूर आ गए ये कह रहे हैं। इफ़ ईच ऑफ योर सब्सक्राइबर वर अ लाइट ईयर, दे कुड टेक यू फ्रॉम वन साइड ऑफ द मिल्की वे टू अनदर। और मेरे को विज्ञान में काफ़ी इंटरेस्ट है, उन्होंने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया कि आपके सभी सब्सक्राइबर को अगर एक लाइट ईयर अपार्ट खड़ा किया जाए, लाइट ईयर जो एक डिस्टेंस नापने की एक यूनिट होती है एस्ट्रोनॉमी में, तो मिल्की वे जो हमारे आकाश गंगा है उसके एक छोर से दूसरे छोर तक पहुँच जाएंगे, वो इतने मतलब सब्सक्राइबर। मैं कई यूट्यूबर्स का देखता हूँ, उनका कंपैरिजन कई बार कंट्रीज से करते हैं कि आपका जो सब्सक्राइबर है उसकी पॉपुलेशन इस कंट्री के बराबर हो गया, इस शहर के बराबर हो गई है, पर हमारा इन्होंने इस तरीके से किया, मिल्की वे के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुँच जाएंगे सब लोग। दैट्स फॉर ये लिख रहे हैं कि बहुत बहुत ज़्यादा है ये। एंड इट इज़ वाई टूडे वी आर सो एक्साइटेड टू सेलिब्रेट योर स्पेशल यूट्यूब जर्नी विद यू। नॉट ओनली हैव यू ब्रॉट अ यूनिक वॉइस एंड स्टाइल टू द वर्ल्ड, यू हैव ऑल्सो क्रिएटेड वैल्यूएबल कनेक्शंस एंड बिल्ड अ कम्युनिटी अलॉन्ग द वे। तो काफ़ी तारीफ की हुई है। इन दैट स्पिरिट यूट्यूब इज़ प्राउड टू प्रेजेंट यू विद द सिल्वर क्रिएटर अवार्ड विच सेलिब्रेट्स योर हार्ड वर्क एंड इनक्रेडिबल अचीवमेंट। और सिर्फ मेरा हार्ड वर्क नहीं है, और कैमरे के पीछे मोनिका ठाकुर भी खड़ी हैं, उनका भी काफ़ी बड़ा रोल है इसमें, और साथ ही साथ हमारी पूरी टीम का जो शुरू से लेकर अब तक हमारे साथ ही। खैर कोविड के चलते हमें बहुत सारा, हमें भी सेटबैक लगे हैं, हमारे बिज़नेस को भी काफ़ी सारा लॉसेस हुआ है, लेकिन फिर भी चलती का नाम जिंदगी। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन दिस अमेजिंग माइलस्टोन, जस्ट वन ऑफ द मैनी दैट वी होप विल फॉलो इन द फ्यूचर। After all, there are countless others out there who have yet to discover your passion and dedication, whether they come to your channel to learn something new or just for a laugh. A whole new audience is waiting for you to inspire them, just as your growing community continues to inspire you. We can't wait to see what you do next and will be with you every step of the way. Yours sincerely, Susan Wojcicki, CEO, YouTube. तो ये सीधा सीईओ मैडम के, सुजन फीमेल नाम होता है, तो उन्हीं के ऑफिस से आया, साइन भी है उनके नीचे। तो ये इस प्रकार का सर्टिफिकेट है, काफ़ी तारीफ की गई है हमारी इसमें। तो ये था हमारा सिल्वर प्ले बटन। और छोटा सा मैं आपको बता दूं दर्शकों कि ये थोड़ा सा पर्चा मैंने देखिए लिखा हुआ है, और मैं आपको ऐसे बताऊँ कि 2016 में वैसे हमने स्टार्टिंग की थी, और लोकल केबल के ऊपर हमने स्टार्टिंग की थी, हम लोग यूट्यूब फेसबुक पे इतना ध्यान नहीं देते थे उस वक्त, और केबल के थ्रू भी हमारा चैनल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ हमीरपुर में, हमीरपुर जो डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल में, और हमीरपुर के लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट और प्यार मिला, वहाँ के एडवर्टाइजर्स का बहुत बड़ा सपोर्ट हमें मिला। आज भी वो लोग याद करते हैं हमें, और हम हमेशा कहते हैं कि हाँ ज़रूर वहाँ पे हम फिर से अपना जो ऑफिस है स्टार्ट करेंगे। तो हमने सबसे पहले वहाँ पे, मैं आपको बताऊँ, हमारी मेरी फैमिली से कोई भी बिज़नेस में था नहीं, तो इतना आइडिया नहीं था कि कैसे एक बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, और ये एक तरीके का हमारे लिए पहला एक्सपीरियंस था, और काफ़ी सारे हमको इस कारण सेटबैक्स लगे थे शुरुआत से ही, क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया, ऑफिस काफ़ी बड़ा ले लिया था उसका रेंट पे, और बहुत ज़बरदस्ती चीज़ बनाई थी हमने, मैं आपको बताऊं। उसके बाद उस ऑफिस को चेंज करके हम सेकंड ऑफिस में शिफ्ट हुए थे,
पर वहाँ पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला था हमें लोगों का, मैं बताऊँ लोग मतलब बहुत ज़्यादा देखते थे हमारा चैनल, हर कोई एकदम से विद इन 6-7 मंथ हम लोग वहाँ पे लोग जानने लग गए थे हमको कि ये कौन लोग हैं। तो वैसे हमने स्टार्ट किया, हमने लोकल इवेंट्स का टेलीकास्ट करना शुरू किया क्योंकि ये कुछ हमारी यूनिक चीज़ें थी, जैसे जो छिंज जिसे हम कहते हैं कुश्तियाँ होती हैं उसे उसका प्रसारण करना हमने शुरू किया केबल नेटवर्क के ऊपर अपने चैनल के थ्रू। और ऐसे ही प्रसारण है कि सिर्फ दिखा दिया उसको, हम लोग उसमें एंकरिंग करते थे, हम लोग जो पहलवान होते थे उनकी इंटरव्यूज़ लेते थे, तो लोगों को बड़ा एक यूनिक सी चीज़ लगी। साथ ही हमने स्कूल के एनुअल फंक्शंस को कवर करना शुरू किया, उसमें भी जैसे आप देखते हैं कि नेशनल लेवल पे DID या वैसे आप देखते हैं कि स्टेज से पीछे इंटरव्यू ले रहे हैं कंटेस्टेंट के और उसके बाद उनका परफॉर्मेंस, तो उसी प्रकार हम छोटे छोटे बच्चों के साथ वार्तालाप करते थे। मोनिका उसमें बहुत ज़्यादा ज़्यादातर एंकर वही करती थी उसके, और उस तरीके से तो वो काफ़ी वो भी बहुत अप्रिशिएट किया गया। साथ ही वहाँ पे हमारी दो एंकर और हमारे साथ जुड़ी थी, दिशा और कामिनी, है ना, तो वो भी बहुत अच्छा काम करती थी। साथ में उनके साथ ही मिलके हमने पहली एक कमर्शियल एडवर्टीज़मेंट वहाँ बनाई थी विशाल मेगा मार्ट के लिए, और वो काफ़ी वो भी बड़ा अच्छा एक प्रया कह सकते हैं आप एक्सपेरिमेंट था और सफल एक्सपेरिमेंट था। उसके बाद काफ़ी सारे एडवर्टाइज़र्स हमारे तरफ घूमे, उनको लगा कि ये लोग कुछ, क्योंकि लोकल लेवल पे जो एडवर्टीज़मेंट भी बनती थी तो वो बहुत ही ज़्यादा उनका लेवल उस प्रकार का नहीं होता था कि लोग देख सकें, और जैसे जैसे ज़माना चेंज हो रहा था, आप डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे थे, तो हमें भी लगा कि क्यों ना कुछ ज़्यादा क्वालिटी को इंड्यूस किया जाए इन चीज़ों में भी, तो वो वैसा हमने शुरू किया, तो उससे एडवर्टाइजर्स को भी फ़ायदा किया, क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि चैनल चलाना आपको एडवर्टीज़मेंट तो चाहिए ही होती है। तो मैं आपको बताऊं तो 2018 के आसपास हमने यूट्यूब और फेसबुक का जो प्लेटफॉर्म है इसके ऊपर ध्यान देना शुरू किया, और फेसबुक पे तो और बाद में हमने थोड़ा ध्यान देना शुरू किया, इसलिए उस पे हमारे अभी भी 70,000 के आसपास फॉलोअर्स हैं। लेकिन यूट्यूब पे हमने काफ़ी बढ़िया एक ग्रिप बनाना शुरू किया, और यूट्यूब पे कॉम्पिटिशन एक ऐसा कॉम्पिटिशन है कि आपको बहुत ज़्यादा टैलेंट रखना पड़ता है, वहाँ पे आपको बड़ी यूनिकनेस रखनी पड़ती है अपने कंटेंट में, तभी लोग आपका सब्सक्राइब करेंगे। फेसबुक है जैसे वो एक सोशल मीडिया, उस पर लगभग हर इंसान का आज की डेट में प्रोफाइल है, तो वो उस पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, तो वहाँ पे चांसेस रहते हैं कि आप बहुत जल्दी ग्रो करेंगे। लेकिन यूट्यूब पे सबके अकाउंट नहीं होता यूट्यूब पे, लेकिन आप सोचिए तब भी आपको सब्सक्राइब किया जा रहा है, तो ये बड़ी अचीवमेंट होती है। और इस पूरे सफ़र में मैं आपको बताऊं, हमने एक से बढ़कर एक स्पेशल रिपोर्ट्स बनाई हैं, चाहे वो हम चॉपर में घूमे हों, या फिर पैराग्लाइडिंग की हो, या फिर हमने रिवर राफ्टिंग की हो, या फिर मंदिरों की हमने डॉक्यूमेंट्रीज, मैं आपको बताऊं मंदिर हमने ऐसे ऐसे मंदिरों में हम गए हैं जो लोग हमको कहते थे सर ये वाला मंदिर दिखाइए, ये वाला, हम लोगों ने अपने इस छोटे से सफ़र में कोशिश की कि वो सभी चीज़ों को यूनिक वे में, नॉट ओनली न्यूज़ और बेसिक जैसे जर्नलिज्म में, हम लोग मोनिका भी मास्टर्स हैं जर्नलिज्म में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से, और मैं भी खुद भी मणिपाल स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन से मेरा ग्रेजुएशन है, और PG डिप्लोमा ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में मेरा IISc नोएडा से है। तो वो एक्सपीरियंस हमको ज़्यादातर इस ओर धकेलता है कि हम न्यूज़ को करें, हम एक पत्रकार हैं, लेकिन पत्रकार होने के साथ साथ ये भी है कि जब आप स्पेशल रिपोर्ट्स बनाते हैं तो उसमें भी जब आप अपना जर्नलिज्म के कुछ चीज़ें डालते हैं तो वो बड़े निखर के आते हैं। मैं आपको बताऊं तो आप जैसे हमारे जितने भी शोज़ देखेंगे टेंपल से रिलेटेड हो गया, कल्चर से रिलेटेड हो गए, हिमाचल के कल्चर को हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि हम जो भी फंक्शन होता है शिवरात्रि का हो, या आपके कुल्लू दशहरा हो, या जितने यहाँ पे बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, तो हम कोशिश करते हैं हमेशा कि उसमें से कुछ यूनिक चीज़ आपको दिखाएं। और बाहर के लोग, क्योंकि YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म, हमारे US से काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक आता है जो हमारे लोग बाहर हैं, इंडिया के कोने कोने से हमारा ट्रैफिक आता है हमारे पास, तो वो लोग जो या तो हिमाचल से बाहर बस गए हैं जाके, तो वो लोग बहुत ज़्यादा गौर से देखते हैं। और इस प्रकार की जो डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं ट्रैवलिंग टाइप की, ये तो अमूमन सभी किस्म के लोग देखते हैं। तो ये इस तरीके की हमने रिपोर्ट्स बनाई। एक बार तो हम लोग वो सुरंग के अंदर भी गए थे, वहाँ पे धमाके धमूके दिखाए हमने कैसे सुरंग बनाई जाती हैं, तो उस प्रकार के पब्लिक इंटरेस्ट के काफ़ी सारे इश्यूज़ हमने उठाए, जिसके ऊपर बाद में कार्रवाई भी हुई, और सड़कों का मुद्दा हो चाहे पानी का मुद्दा हो चाहे हॉस्पिटल का मुद्दा हो, तो उस पर भी कार्रवाई होती है, प्रशासन का ध्यान जाता है उस पर, और ये अच्छी बात है। इंटरव्यूज़ हमारा बड़ा एक अलग फीचर है, उसमें हमने सेलिब्स का इंटरव्यू, सेलिब्रिटीज़ जो भी हिमाचल में आते हैं किसी भी कारणवश, तो हम कोशिश करते हैं कि इंटरव्यू करें उनके साथ, और काफ़ी हद तक हम सफल रहते हैं, और बड़ा मज़ा आता है उस चीज़ को करने में, उनका इंसाइट जानने में, और सेलिब्स को पहचान देखने में, मतलब एक तो पहली बात तो वैसे ही
बड़ी खुशी लगता है कि मतलब ये लोग इतने बड़े लेवल पे लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब फ़ैन फॉलोइंग है इनकी इतनी, और हम उनका जब इंटरव्यू लेते हैं तो वो एक अलग सा एहसास रहता है। साथ ही साथ पॉलिटिशियन की इंटरव्यू आपको पता है, फिर वहाँ पे हमारे जो जर्नलिज्म वाली जो पढ़ाई है और जो एक्सपीरियंस है वो काम आता है। वहाँ पे हमें जो आजकल का जो भी ट्रेंड है या क्या मुद्दा है और क्या क्वेश्चंस होने चाहिए वो हम पूछते हैं उनसे, और कोशिश करते हैं कि हम न्यूट्रल रहें। और हमारा आप देखेंगे ज़्यादातर चैनल के ऊपर कंटेंट देखेंगे तो हम काफ़ी न्यूट्रल रहने की कोशिश करते हैं इंटरव्यूज़ में भी और हर चीज़ में। और मुझे लगता है कि वही एक जर्नलिज्म का एथिक्स होना चाहिए, आपको ना ही किसी एक पार्टी की साइड होना चाहिए, आपको बस वो करना चाहिए जो आपको लगता है कि हाँ ये, क्योंकि आप एक जनता के रिप्रेजेंटेटिव हो तो जो जनता के सवाल हैं वो आपको पूछने हैं प्रतिनिधियों से। तो उम्मीद करते हैं हमने इसमें अच्छा किया होगा, क्योंकि आप दर्शक हैं जो हमें बता सकते हैं इसके बारे में ज़्यादा। बाकी हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स रहती थी और ग्राउंड रिपोर्ट भी हमारी बहुत ही बढ़िया रही हैं, बहुत सारी हमारी ग्राउंड पर। अभी तो वही है, मैं मतलब इतनी खुशी हो रही है कि मैं कुछ याद नहीं आ रहा मेरे को ज़्यादा कुछ, और ऑटो पायलट मोड पे मैं बोलता जा रहा हूँ। तो देखिए ऐसा था कि अब कोविड आया तो हमको अपनी टीम को भी घटाना पड़ गया, और अब तो बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज में हम लोग काम कर रहे हैं, और देखते हैं अभी यहाँ से आगे फ्यूचर में हम इस चैनल को कहाँ लेके जाते हैं, और साथ ही साथ कुछ और प्लानिंग्स भी हैं उनको हम किस तरीके से आगे पुल फॉरवर्ड करते हैं, तो वो चीज़ देखनी होगी। वो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है और हमारी मेहनत में छुपा हुआ है कि क्या हम लोग आगे करते हैं। और मैं थैंक्स करना चाहूँगा सभी का, अपना हमारी जो पूरी फैमिली है उनका, हमारे फ्रेंड्स हैं, दोस्तों का, जो लोग हमारे साथ शुरू से रहे हैं। बहुत बड़ी टीम हमारे साथ रही है शुरू से, कुछ आते किसी को कहीं और जॉब लगी हो वहाँ पे चला गया, किसी की शादी हो गई हो वहाँ पे बिज़ी हो गया, तो लोग जुड़ते गए बिछड़ते गए, जुड़ते गए बिछड़ते गए, तो एक बहुत बड़ा एक आज की डेट में हमारा खुद का एक सर्कल है दोस्ती यारी का, और बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है उनसे। और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा हमारे को सहयोग रहता है, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। पीपल ऑफ हिमाचल, सबसे बड़े हमारे जो हैं आप लोग, आप दर्शक जिन्होंने हमें इस मुकाम तक पहुँचाया कि इस तरीके का अवार्ड हमें आज मिला है, हमारे एडवर्टाइज़र्स जिनका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि बिना एडवर्टाइज़र्स के हमारे बहुत से एडवर्टाइज़र्स हैं जो हमें ऐसे ऐसे मौके पर सपोर्ट करते हैं जब हमें ज़रूरत होती है कि हाँ भाई, कि कई हमारे ज़िंदगी में ऐसे मौके भी आए पहले जब हम लोग स्टार्टिंग में थे, जब हमारे पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं होते थे या फिर खुद का खर्चा चलाने के लिए भी इतना अमाउंट नहीं होता था हमारे पास, उस वक्त कुछ एडवर्टाइज़र्स हमारे काम को अप्रिशिएट करते थे और वो फिर अपना डील आगे बढ़ाते थे, तो वहाँ से थोड़ा बहुत फिर हमारी रेलगाड़ी चलने लगती थी। तो उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, और आज भी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है एडवर्टाइज़र्स का, और सबसे बड़ा सपोर्ट तो ये गूगल और आपका यूट्यूब इनका, जिन्होंने हमको इस प्रकार से अवार्ड दिया और इतना जल्दी इन्होंने पहुँचा दिया विद इन 1.5 वीक जब से इनका पहला मेल आया था। तो जब हमने मंडी फिर शिफ्ट हुए, हमने अपना ऑफिस जो है मंडी में शुरू किया, तो मंडी के लोगों का भी बहुत ज़्यादा प्यार मिला। मेरा तो होम टाउन मंडी है, मेरा डिस्ट्रिक्ट मंडी, मैं यहीं से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ भी बहुत बड़ी संख्या में लोग सपोर्ट करते हैं। हमने अभी शिवरात्रि में पीछे बहल साहब हैं उनके साथ मंडियाली में कार्यक्रम शुरू कर दिया, ऐसे ही मतलब काफ़ी सारे लोग जुड़े हमारे साथ उस मंडी से, जो बताते थे कि सर ये वाला आप वीडियो बनाइए, ये देवता इनका मंदिर वहाँ, ये वाली वीडियो बनाइए, फलाना स्पॉट है वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पे आपको इस तरीके की चीज़ें मिलेंगी देखने को। बीड बिलिंग से कॉल आया था एक बार मेरे को कि सर आप एक पैराग्लाइडिंग कीजिए और वो हम आपको स्पॉन्सर करेंगे उसका, तो मतलब काफ़ी मंडी के लोगों ने तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हमको, और उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। तो ये था अभी तक की कहानी हमारी, और देखते हैं अभी क्या और हम लोग करते हैं फ्यूचर में और क्या किया जा सकता है, काफ़ी सारी प्लानिंग से देखते हैं, अभी वो आपको पता लगी जाएगी जैसे जैसे समय आएगा। मैं जाते जाते बस एक मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जो अमेरिकन सिविल राइट मूवमेंट के काफ़ी बड़े हीरो रहे हैं, नायक रहे हैं, नेता थे, उनका एक कोट मेरे बड़ा फेवरेट कोट है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि, और ये कोविड के चलते भी जैसे कि आपको पता ही है कि बहुत से लोगों की जॉब चली गई हैं, बहुत से लोग निराश हैं आज की डेट में, हमारे को भी बहुत ज़्यादा सेटबैक लगा, हमारे को जितनी रेवेन्यू आता था उसका मतलब आप ये मान के चलिए कि 80% वो घट गया है।
तो वो सेटबैक्स हमारे पास भी, हमें भी सोचना पड़ रहा है कि कैसे अब आगे फ्यूचर में निकला जाए, कैसे और चीज़ों की जाए, और कैसे अब मतलब ज़िंदगी कैसे चलाई जाए, बेसिक सी बात है, कैसे जिया जाए। तो ये कोटेशन मेरे को बहुत हेल्प करता है। आप भी, आपको भी अच्छा लगे तो इसको शेयर ज़रूर कीजिए। कि उन्होंने कहा था एक बार कि इफ़ यू कांट फ्लाई देन रन, अगर आप उड़ नहीं सकते तो भागिए। इफ़ यू कांट रन देन वॉक, अगर आप रन भी नहीं कर सकते, भाग भी नहीं सकते, तो सिर्फ वॉक कीजिए, चलिए। इफ़ यू कांट वॉक देन क्रॉल, अगर आप चल भी नहीं सकते तो क्रॉल कीजिए, जैसे फौजी लोग क्रॉल करते ना, या बच्चा क्रॉल करता है ऐसे ऐसे घसीट के। बट वट एवर यू डू, कुछ भी आप करें, यू हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड, आपको आगे बढ़ते जाना है। यानी कुछ भी कीजिए, कैसे भी परिस्थितियाँ आ जाए, कुछ भी हो जाए, धीरे धीरे ही सही, चाहे घसीटते हुए ही सही, चाहे चलते हुए ही सही, या भागते हुए ही सही, आपको आगे बढ़ते जाना है। तो इस कोटेशन के साथ मैं इस वीडियो को विराम देना चाहूँगा। मैं लोगों के नाम और एडवर्टाइज के नाम नहीं हमने लिखे, क्योंकि इतने सारे लोग हैं हमारे साथ, इतने दोस्त हैं जो प्यार करते हैं, जो सपोर्ट करते हैं, वो जो देख रहे होंगे इस वक्त, वो जान ही रहे होंगे कि हम आप ही की बात कर रहे हैं। कि नाम लेने से क्या होगा कि कोई अगर छूट गया तो फिर हमारी तो मेरी तो रेल बना देंगे, तो इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। लेकिन सबको पता है कि हमारे साथ कौन कौन है और कैसे कैसे जुड़ा है, वो सभी का मैं तहे दिल से अपनी पूरी टीम की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूँ। और आप लोग इसी प्रकार से खुश रहिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए आपको अच्छा लगा तो। और बस इतना ही था कहने के लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।